हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा फ़ोन है तो लावा फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ब्लूटूथ ऑप्शन है तो ब्लूटूथ ऑप्शन को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने लावा फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, फिर हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं ब्लूटूथ। तो यहाँ पर आपको सर्च कर देना है यूज़ ब्लूटूथ। हमने सर्च कर लिया यूज़ ब्लूटूथ, शायद हमारी सेटिंग शो हो जाएगी, तो नहीं हो रही है। तो सिंपल आपको यहाँ से बैक करना है, यहाँ पर ये शो नहीं हो रही है, तो आपको सिंपल बैक करना है और यहाँ सेटिंग पर चले जाना है। और सेटिंग पर जाते ही हमारा ब्लूटूथ ऑप्शन वैसे ही हमारा शो हो रहा होगा, जहाँ से आप ब्लूटूथ ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद आप ब्लूटूथ ऑप्शन में जैसे किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिंपली ऐसे डिवाइस हमारे सर्चिंग हो रहे हैं तो किसी को सेलेक्ट करना है और पेयर कर देना है। पेयर करते ही ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और आप इसमें सॉन्ग्स म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं और साथ में फाइल वगैरह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि जैसे आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ भी कर सकते हैं, ऑफ हो जाएगा। और जैसे अगर आप ब्लूटूथ डिवाइस नेम चेक करना चाहते हैं तो ब्लूटूथ डिवाइस नेम को भी आप चेक कर सकते हैं। सिंपली जो हमारे आइकन्स होते हैं यहाँ पर शो हो रहे हैं, डेवलप डिवाइस नेम यहाँ पर शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि शो हो रहा है लावा के नाम से। या इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, बस आपको कट करना और कोई भी नेम डाल देना है तो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ब्लूटूथ डिवाइस नेम को भी आप चेंज कर सकते हैं। और साथ में जैसे आप अपनी एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर ब्लूटूथ ऑप्शन को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने लावा फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।